एल्विस एक बार ना इस एजाज खान की लोकेशन मांग मुंबई के अंदर, ये मुंबई का हरियाणा वाले से फालतू बोलेगा। और राजा भाई आपने हमको धमकी दी थी, हम लोग मुंबई आए हुए बंद कमरे के अंदर बनाई। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में छोटी छोटी क्लिप देखी लेंगी, जो कि मैं आपको पूरे वीडियो दिखाने वाला, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ा घमासान शुरू हो चुका, बड़ा लफड़ा शुरू हो चुका, बड़ी फाइट शुरू हो चुकी, जहां पे एजाज खान ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया एल्विस यादव रजत दलाल का, जहां पे एल्विस यादव रजत दलाल ने ये वाले वीडियो बना के कल डायरेक्टली एजाज खान को बहुत सारी बातें बोली थी कि हम मुंबई में आ चुके। अगर आपको ये वीडियो देखना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उसी का रिप्लाई देते हुए एजाज खान ने क्या बोला, मैं आपको सबसे पहले ये वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद आपको थारा भाई जोगिंदर का वीडियो दिखाता। यहां पे थारा भाई जोगिंदर ने एजाज खान को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला और बहुत सारी बातें बोली, लेकिन उससे पहले आप एजाज खान का रिप्ले देख लीजिए, किस तरह उन्होंने एल्विस यादव को रिप्ले दिया, रजत दलाल को रिप्ले दिया। वो दो जोकर लोगों ने वीडियो बनाई है कि एजाज भाई आपने हमको धमकी दी थी, हम लोग बंबई आए हुए बंद कमरे के अंदर बनाई हुई है, उसमें बंबई किधर है और एड्रेस किधर है? अबे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? और मिलूंगा एल्विस तेरे से आके, तू जहां भी रहेगा उधर आऊंगा और अकेला आके मिलूंगा तेरे से, और तेरे से भी दलाल, अकेला वन मैन शो, कोई आर्मी नहीं है रे मेरी, वन मैन आर्मी हूं मैं, भेद लोकेशन किधर है तू? हाँ, तो आपने एजाज खान का वीडियो देख लिया जहाँ पे एजाज खान ने किस तरह से एल्विस यादव और रजत दलाल को रिप्ले दिया, लेकिन इस पर आपका क्या बोलना है मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन आपको बता दूं, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बीच में एंट्री होती है तीसरे इंसान की, यानी कि थारा भाई जोगिंदर की। थारा भाई जोगिंदर ने सबसे पहले एजाज खान ने यहाँ पे वीडियो अपलोड करा था, उसके नीचे डायरेक्टली लिखा था कि चल एल्विस लोकेशन दे, मैं भी आता हूँ, हम जाते हैं, इसको ऐसी की तैसी करते हैं। आपको साइड में दिख रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने कमेंट के अंदर बोला था, लेकिन थारा भाई जोगिंदर यहाँ भी रुके नहीं। थारा भाई जोगिंदर ने स्पेशल वीडियो बनाया, अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया और किस तरह से एजाज खान के बारे में क्या क्या बोला, आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट नहीं दूंगा, सारे लफड़े के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी बिग बॉस के बारे में, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो ये देख लीजिए थारा भाई जोगिंदर का वीडियो। एल्विस एक बार ना इस एजाज खान की लोकेशन मांग मुंबई के अंदर, ये जा नहीं सकता लोकेशन पर, आटू के पास जाना ही पड़ेगा, ये आने वाले से फालतू बोलेगा। और रजत अगर ये मिल जाए ना, इसकी गुद्दी पकड़ के दबा दिया हाथ के नीचे बस, और इसको बता दिया कि कितनी पावर होती है, एक बार जहां से पकड़ लेते ना हरियाणा वाले, छुड़वा नहीं सकते। तुम आजकल के पिल्लाओ, तुम्हारे अंदर हवा आ गई है, मुंबई के अंदर अगर सेलिब्रिटी रहते हैं, फायदा तुम लोग उठा रहे हो, तुम अपने आप को इतना बड़ा आर्टिस्ट मानते हो कि तुमसे ऊपर कोई नहीं है। अबे फ्लोप एक्टर, तेरी मुंबई के अंदर तो इज्जत है नहीं, तू आएगा दिल्ली एनसीआर के अंदर, तू धमकी देगा है? एल्विस से मेरा 36 का आंकड़ा हो, पर अगर बात अपने भाईचारे पे आ गई ना, तो अपने भाईचारे के साथ खड़े हैं। अरे ये तो शुरुआत है, अगर तूने गलती से भी हमारे हरियाणा के किसी भाई या किसी इन्फ्लुएंसर को भी टच कर दिया, ये अगली बार माफी मंगवा दी, तेरे को फॉर्चूनर में भर के सीधा हरियाणा के गेट पे एंट्री होगी तेरी, और तेरा स्वागत होगा बढ़िया तरीके से बाउंसरों के साथ। हरियाणा के जो बालक होते हैं ना, उनमें डोले भी 17-17 इंची के होते हैं, जो तू ये फॉर्चूनर लेके घूमता है मत दिखाएगा, हर घर में फॉर्चूनर खड़ी है हरियाणा के अंदर। अपनी मुंबई के अंदर कुत्ता पालना, पर हरियाणा के लड़कों के सामने भैम मत पालना, वरना ऐसा भैम निकालेगे कोई बचाने नहीं आएगा। हाँ, तो आपने थारा भाई जोगिंदर का वीडियो देखी लिया, जहां पे थारा भाई जोगिंदर ने किस तरह से एजाज खान के बारे में क्या क्या बोला और क्या नहीं बोला, आपको मतलब क्लियरली दिख गया हूं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए, इस बड़े से घमासान में, इस बड़े से लफड़े में आप किसके सपोर्टर, आप किसे सपोर्ट करते हैं, एजाज खान को या फिर एल्विस यादव को या थारा भाई जोगिंदर को, कमेंट करके जरूर बताया। इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर, जरूर फैलाया, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।